नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में। क्या ये आपके हाथ से निकल गया, मतलब ये स्टॉक्स का प्राइस इतना हाई जा चुका है कि अब लोग सोचते हैं बाय करें या ना करें, मतलब ये पूरी तरह से ग्रीड जोन में आ चुका है। अभी लालच होता है कि बाय करें तेजी देख करके, और फिर आता है कि अगर मार्केट में करेक्शन आया तो फिर से ये नीचे आ सकता है। तो इस तरह का ग्रीड भी है और फियर भी है। अभी ग्रीड और फियर दोनों मार्केट में चल रहा है, तो चलिए हम देखते हैं कि आज आपको क्या करना चाहिए इस बजाज फिनसर्व में और बजाज फाइनेंस में, आपको कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। तो आज यहाँ पर देख सकते हैं टिकर टेप के वेबसाइट पर ये हमारा आज क्लोज हुआ है 3025 रुपीज़ पर, और ये देखते हैं 6.52 रुपीज़ का तेजी आज इसमें देखने मिला था, 185 रुपीज़ का, तो काफ़ी तेज था आज बजाज फाइनेंस। और इसका हम रिटर्न देख लेते हैं, तो वन डे का रिटर्न देख सकते हैं, वन डे में ये इतना है, वन वीक में देखते हैं ये 21.59% की तेजी, मतलब सिर्फ एक सप्ताह पहले अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी आपका मनी 22% ग्रो कर चुका होता, मतलब एक लाख रुपया इन्वेस्ट करते तो आपका रुपया 1,22,000 होता। उसके बाद एक मंथ में देख सकते हैं 49%, मतलब 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो आपका मनी अभी 1,49,000 रुपया हो गया होता। वहीं वन ईयर में देखते हैं ये 20% डाउन है, मतलब अगर आप 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो आपका मनी अभी मात्र 80,000 होता। फाइव ईयर्स में देखते हैं 433% का रिटर्न अभी भी ये दे रहा है। वहीं मैक्सिमम ईयर में बात करें, मैक्सिमम ईयर देख सकते हैं कि ये हमारा जो है यहाँ से आप देख सकते हैं 2000 ईस्वी से अभी तक में 62,972% का रिटर्न दे चुका है। तो कितना मल्टीबैगर है, कितना बड़ा ये मल्टीबैगर है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि बजाज फाइनेंस आपको 62,972% का रिटर्न अभी तक में दे चुका है पिछले 20 सालों में। और इसमें अगर करेक्शन नहीं आया होता तो आप इसका रिटर्न जो है देख सकते हैं ये आपको 1,00,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न देता। अगर इसमें करेक्शन नहीं आया होता तो ये आपको 1,00,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न, 1,21,000% का रिटर्न ये आपको देता अगर इसमें करेक्शन नहीं आता। तो ये था बजाज फाइनेंस। फिर हम देख लेते हैं बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व आज क्लोज हुआ है 6,319 रुपीज़ पर, और ये अब था आज 2.20% से 136 रुपीज़ की तेजी आज देखने मिली थी। पिछले दिन इसमें ज़्यादा तेजी था, आज थोड़ा सा कम था। वन वीक का रिटर्न देखते हैं तो वन वीक में 21% अप है, और बजाज फाइनेंस भी इतना ही अप था 22% के आसपास, दोनों सेम चल रहा है। उसके बाद वन मंथ का रिटर्न देख लीजिए 41%, उसमें 49 था बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में कुछ ज़्यादा तेजी देखने मिला है। उसके बाद वन ईयर में देखते हैं ये 25.98, इसमें गिरावट एक साल में अभी भी बहुत ज़्यादा है बजाज फिनसर्व में, उसमें 20% के आसपास था, ये हमारा 26% के आसपास है। उसके बाद फाइव ईयर्स में देख लेते हैं 305% का रिटर्न, और मैक्सिमम ईयर में तो 1,136% का रिटर्न। ये 2008 में लिस्ट हुआ था, उस समय से ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। तो ये था हमारा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस का हम देख सकते हैं चार्ट जीरोधा पर लगाए हुए हैं, ये देखते हैं अभी भी ये 200 डे अभी भी देख सकते हैं ये 200 डे के मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे है। जो बजाज फाइनेंस है उसका जो 200 डे का मूविंग एवरेज है वो है 3,246, तो उससे अभी भी ये 100 रुपया के से ज़्यादा, मतलब 150 रुपीज़ नीचे है 200 डे के मूविंग एवरेज से। अगर 200 डे का मूविंग एवरेज ये ब्रेक करता है तो वहाँ से आपको और काफ़ी ज़्यादा इसमें तेज़ी देखने मिल सकता है। लेकिन यहीं पर देख सकते हैं कि हमारा जो RSI है, आपको बाय सिग्नल यहीं पर बता दिया था, यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक इसमें बाय सिग्नल था, और अभी आपको देख सकते हैं ये ओवर बाउट जोन में जा चुका है। अभी जो इसका मतलब RSI है वो 75 के आसपास है, तो समझ सकते हैं 75 RSI काफ़ी हाई हो चुका है। तो ऐसे में आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको जज करना है, और साथ साथ मार्केट के डायरेक्शन को देखना है, मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में जाता है, जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उसी के अनुसार ये आपको परफॉर्मेंस देगा। अगर मार्केट अप जाता है निश्चित है कि बजाज फाइनेंस में तेज़ी आपको बना रहेगा, लेकिन अगर मार्केट डाउन जाता है तो निश्चित है इसमें भी करेक्शन आएगा। तो
आपको तय करना है कि बजाज फाइनेंस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से अभी आपको वेट एंड आप वॉच करना चाहिए, क्योंकि अब बजाज फाइनेंस काफ़ी अप हो चुका है, इसमें काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, तो इसलिए अभी आप इसमें वेट करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो लो बनाए वहाँ से 50% अप हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि बजाज फाइनेंस किस डायरेक्शन में जाता है। साथ ही साथ आप जो क्वार्टर वन के रिज़ल्ट आएंगे उसका भी आप वेट कर सकते हैं कि कैसा हमारा आगे का सिनेरियो होता है। साथ ही साथ अब हम बजाज फिनसर्व की बात कर लेते हैं। तो बजाज फिनसर्व देखते हैं, ये भी 200 डे के मूविंग एवरेज को सिर्फ ब्रेक करना बाकी है और सारे एवरेज को ब्रेक कर दिया, 20 डे, 50 डे और 100 डे के मूविंग एवरेज को। ये भी काफ़ी समय से देखते हैं, यहाँ से बाय सिग्नल आपको दिया था काफ़ी समय से, यहाँ पर भी देखते हैं RSI काफ़ी कम था, 30 के आसपास था, तो यहाँ पर आप ज़रूर बाय कर सकते थे। अब यहाँ पर देखते हैं काफ़ी इसका भी प्राइस आगे जा चुका है और इसका जो 200 डे का मूविंग एवरेज है 7014 है, तो अभी आपको इसमें भी वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि ये जो आगे है हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज, जब तक ये नहीं ब्रेक कर देता तब तक इसमें आपको फिर आगे जो इतनी तेज़ी देखने कम मिलेगा। तो इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है अभी, जो ये पहले 66,500 का जब तक लेवल नहीं तोड़ता है, फिर ये 7,000 के जाने में टाइम लेगा, तो जब ये 6,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये 7,000 अगला रेसिस्टेंस है, इसको जब ब्रेक कर देगा ये, तो निश्चित है इसमें काफ़ी तेज़ी आपको देखने आगे मिल सकता है। तो लेकिन अभी आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये देखते हैं 4,000 का लो बनाया था, वहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। 4,500 पर ये कई बार गया, 5,000 आता था, फिर वहाँ से लौट करके 4,500 पर, तो बार बार उस प्राइस पर, मतलब रेसिस्टेंस का काम कर रहा था वो, इस रेसिस्टेंस 4,500 को जब ये ब्रेक किया था तो इसमें काफ़ी 500 पॉइंट का तेज़ी से गिरावट आया था। तो यहाँ पर आपको निश्चित बाय करना चाहिए था, अगर आप नहीं किए अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। साथ ही साथ आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर एक जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो जो हमारा बजाज फाइनेंस है, ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम ईयर का चार्ट आपको दिखा देते हैं। मैक्सिमम ईयर में यहाँ से आपने देखा कि 1,00,000% का रिटर्न दे चुका था इस मार्केट करेक्शन से पहले। तो जब ये 1,00,000% का रिटर्न दिया तो आप 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो निश्चित है कि आपका जो रिटर्न है अभी वो जो है 1 करोड़ रुपीज होता, मतलब 10,000 रुपया अगर इन्वेस्ट किए होते तो आपके पास 1 करोड़ होता रिटर्न के रूप में, मतलब आप करोड़पति बन सकते थे बजाज फाइनेंस में 10,000 रुपया इन्वेस्ट करके। तो आप समझ सकते हैं ऐसे स्टॉक, मल्टी बैगर स्टॉक आपको भी ढूंढना है मार्केट में कि अगला मल्टी बैगर कौन सा होगा, तो इसके लिए हम भी आपकी सहायता करते रहेंगे, तो इसलिए चैनल पर बने रहिए। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस भी देखते हैं, 2008 में ये लिस्ट हुआ, जब से ये लिस्ट हुआ है इसमें पहले करेक्शन देखने मिला, फिर अपने करेक्शन से ये भी देख सकते हैं कि अभी तक में 8,576% का रिटर्न दे चुका है और करेक्शन से पहले, अभी तो करेक्शन आने के बाद इसमें काफ़ी गिरावट आई है, तो फिर से यहाँ पर आपको मौका मिला बाय करने का, मतलब समझ सकते हैं आपको जो पहले का प्राइस था यहाँ पर देख सकते हैं 4,000 2017 में प्राइस था, मतलब आप पिछला जो तीन साल का प्राइस था उस प्राइस पे स्टॉक को बाय कर सकते थे। अब ये मौका अगर आप चूक गए तो आगे वेट एंड वॉच करें कि अगर मार्केट में फिर से करेक्शन आता है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी जो है लोन डिफॉल्ट होंगे, तो उससे हो सकता है कुछ करेक्शन आए तो आप वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं इन सारे स्टॉक्स में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम आपको बजाज फाइनेंस के मल्टी बैगर रिटर्न के बारे में बताएंगे, मैजिकल रिटर्न के बारे में, तो अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।